नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमल आपके चैनल एस्ट्रोकालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से चौथे भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। शुक्र और बुध संबंधी बुद्ध को मिलाकर के लक्ष्मी नारायण योग बनता है, तो आपको भूमि भवन वाहन में लाभ मिलेगा और संतान की दृष्टि से भी बढ़िया, क्योंकि 28 दिसंबर के बाद बुद्ध जब पंचम में चले जाएंगे तो लाभ रहेगा। संतान में शुक्र में वृद्धि होगी और साथ में आपकी राशि से देवा गुरु बृहस्पति का सप्तम में गोचर करना, ज्ञान में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि, परिश्रम में वृद्धि और आय में वृद्धि, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़, सप्तम दृष्टि आप पे पड़ती है, लग्न पे पड़ती है, आपकी राशि पे पड़ती है और नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव परिश्रम भाव पर पड़ती है। तो नवीनता आपके अंदर आएगी, रोजगार संबंधी नौकरी संबंधी में आपकी उन्नति के योग कन्या राशि वाले बन रहे हैं और सूर्य का आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करना, दिसंबर के बाद चौथे भाव में गोचर करना और उससे पहले तृतीय भाव में गोचर, 16 दिसंबर तक तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो आपको कर्म के प्रति मेहनत आपको खूब कराएंगे, परिश्रम खूब कराएंगे और उसके बाद थोड़ा 16 दिसंबर के बाद हल्की फुल्की आपको भूमि भवन वाहन में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आपके पार्टनर कोई साझेदार कोई आपका प्रेमी आपको भूमि भवन वाहन का सुख दिलाएगा, क्योंकि उसके द्वारा ही आपके काम बनते दिख रहे हैं और साथ में देवा गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नति लेके आ रहे हैं कन्या राशि वालों, और सब दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य की दृष्टि थोड़ा हल्की फुल्की दिक्कतें हैं, ये गोचर दिसंबर का गोचर कन्या राशि वालों के लिए लाभ भी बहुत ला रहा है और संतान का सुख भी ला रहा है, क्योंकि संतान का सुख बुध के आने से संतान सुख मिलेगा और आपकी राशि से भाग्य भाव में मंगल का गोचर, आपकी राशि से पंचम शनि का जो गोचर है वो भी आपके लिए लाभदायक है। शनि जो पंचम में गोचर बहुत अच्छा फल देते हैं, इसलिए संतान में वृद्धि होगी कन्या राशि वालों की, क्योंकि थोड़ा लेट थोड़ा आपको मन में लगेगा कि मेरी राशि से तो कोई संतान योग बन नहीं रहा है, लेकिन तब भी आपका संतान योग वृद्धि होगी, यानी कि संतान सुख आपको मिल रहा है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दें, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।